राजस्थान की राजधानी जयपुर के सबसे प्रमुख बाजारों में गिनती होती है इंदिरा बाजार की, और इंदिरा बाजार का लोकार्पण 1976 में हुआ था, यानी आधी सदी पूरे करने के बाद भी इंदिरा बाजार का विकास उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह की परिकल्पना इसके निर्माण के समय की गई थी। इसके अंदर न तो पार्कों का सही ढंग से विकास हो पाया और न ही बरामदों का देखरेख इस तरह से हो पाई कि वे सुरक्षित रह सके। इंदिरा बाजार व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमल आसवानी का कहना है कि इस समय सबसे प्रमुख समस्याओं में देखें तो पार्कों की बदहाली और उसके साथ साथ इंदिरा बाजार के इन बरामदों में खतरनाक स्थिति है, जिससे हर साल कहीं न कहीं बरामदा गिरने की घटना होती है। ये तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कोई जनहानि नहीं होती। उन्होंने कहा कि पार्कों का विकास किया जाना चाहिए, उन्हें सुसज्जित और उपकरणों से युक्त किया जाए तो बाजार की रौनक बदल सकती है। इसके साथ ही आसवानी ने इस बाजार को लेकर उनकी परिकल्पना को भी न्यूज फ्लैश के साथ साझा किया। मैं कमल कुमार आसवानी, अध्यक्ष इंदिरा बाजार व्यापार मंडल। आपके व्यापार में क्या क्या समस्या है व्यापार मंडल में? मुख्यतः हमारी जो समस्या है बाजार के लिए, वो एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है बरामदों की समस्या। एक्चुअल में इंदिरा बाजार का लोकार्पण 1976 में हुआ। 76 में लोकार्पण के बाद आज तक किसी भी सरकार ने इंदिरा बाजार के बरामदों का जीर्णोद्धार नहीं करवाया, जिससे स्थिति यह है कि बारिश आते ही एक एक बरामदे गिरने लगते हैं। सुखदायी बात यह है कि आज तक किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन सरकार को कई लेटर दिए, निगम को कई लेटर दिए, लेकिन आज तक अभी तक कोई भी इस समस्या का समाधान निकला नहीं है। दूसरी हमारी जो समस्या बाजार की मेन यह है कि पार्कों का जीर्णोद्धार, यहाँ के पार्कों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। काफ़ी पुराने पार्क हो गए हैं, 5 पार्क आते हैं हमारे इंदिरा बाजार में, जिसका जीर्णोद्धार कार्य होना चाहिए। आपके अध्यक्ष बनने के बाद क्या क्या कार्य हुए सर? बाजार में मैं 1.5 साल पहले अध्यक्ष बनकर आया बाजार का। बाजार में काफी कार्य पेंडिंग थे, जिससे हमने कोशिश की कि इन कार्यों को पूरा किया जाए। सबसे पहले हमने बाजार के इस कार्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। बाजार के सभी व्यापारियों के लिए हमने यहाँ बैठने की उचित व्यवस्था कराई। उसके बाद हमने बाजार में उचित रोशनी व्यवस्था के लिए 110 नई लाइटें लगवाई बाजार के अंदर। उसके बाद हमने पूरे बाजार को 96 कैमरों से लैस करवाया। आज स्थिति यह है कि परकोटे में सबसे मुख्य बाजार इंदिरा बाजार है, जिसको हमने पूरे बाजार को कैमरों से घेर रखा है। और लास्ट टाइम अभी तो हमने अभी जो बड़ी लूट हुई थी, पुलिस ने हमारी सहायता से वो लूट को पकड़ा। उसके बाद हमने बाजार के जो मुख्य कार्य थे, 3 ठंडे पानी के वाटर कूलर लगवाए बाजार के अंदर। बारिशों का पानी दुकान के अंदर नहीं जाए, उसके लिए हमने उचित व्यवस्था करवाई। एक पार्क है पुरुषार्थी पार्क, उसका जीर्णोद्धार भी करवाया। 2 शानदार व्यापारिक सामूहिक गोठ करवाई। उसके बाद होली मिलन समारोह, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस पे 65+ के आयु से ऊपर व्यक्तियों को हमने, बाजार के व्यापारी भाइयों को हमने सम्मानित किया, जिन्होंने अपना सर्वस्व बाजार को दिया है। उसके अलावा सालों से दीपावली डेकोरेशन नहीं हो पा रहा था, दीपावली डेकोरेशन करवाया। श्याम बाबा का दरबार सजवाया। दुकानदारों के आइडेंटिटी के लिए परिचय पत्र बनवाया। महेश गुदासवानी, इंदिरा बाजार व्यापार मंडल से उपाध्यक्ष पद पे। बाजार की समस्या एक यही है कि बाजार 3 वार्डों में बटा हुआ है, और जो निगम के अपने पार्षद हैं उनका तालमेल न होने की वजह से सफाई की व्यवस्था दूर है। इसे सुधारा जाए और इसे बीमारी से बचा जाएगा। आपके व्यापार मंडल की समस्या है? समझो साहब, हमारे एक ही है और बहुत गहरी समस्या है, जिसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं ताकि हमारे बरामदे जल्द से जल्द तैयार हो जाए। इसी समस्या में लगे हुए और हमारे एमएलए साहब भी लगे हुए हैं,
और हम भी लगे हुए हैं, हम चाहते जल्दी जल्दी इसका काम जल्दी हो जाए। परीक्षा मैं मोहम्मद सिराज कुरैशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला बाजार।